लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने रामबान जिले में गुलसिंगलदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक सहयोगियों की मदद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा दिलाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का सुनिश्चित करेंगे, भले ही भाजपा चाहे या फिर नहीं। हम इंडिया गठबंधन के बैनर तले सरकार पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को शब्दों में बाद में घायल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक तरफ भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं तो वहीं हम मोहब्बत समान और इज्जत बांट रहे हैं। मोहब्बत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम नारा दिया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम लोगों को जोड़ते हैं और वो लोगों को तोड़ते हैं। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे छीने जाने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देश में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेश बने, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अधिकारियों और कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने लोगों को आश्वस्त किया कि हम आपके हक को आपको वापस दिलाएंगे, हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं, धन भी छीना जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का धन बाहरी प्रदेशों के लोगों को दिया जा रहा है, बाहरी प्रदेश के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है। हमने मांग की थी कि चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, लेकिन भाजपा नहीं मानी। भाजपा पहले चुनाव करवा रही है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जरूर बहाल करवा रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चल रहे बिजली के प्रोजेक्ट को लेकर अदानी और अंबानी को घेरा और कहा कि फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बेरोजगारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि संसद में अडानी अंबानी का नाम नहीं लेना, तो मैंने A1 और A2 लिख दिया, हम दो हमारे दो के फॉर्मूले के तहत मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।